24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुंदेलखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। बुंदेलखंड किसान समृद्धि अभियान ट्रस्ट झांसी एवं लोक भारती के उद्देश्य को विस्तार देते हुए प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, अन्नदाता और उसके उत्पाद का उपभोग करने वाले उपभोक्ता अन्य खाता के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु राजकीय संग्रहालय झांसी में एक वृहद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 250 अन्नदाता और अन्य खाता समेत कृषि वैज्ञानिकों के साथ विद्यार्थियों ने जानकारी साझा की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोपाल मोहन उपाध्याय रहे, जिन्होंने पद्मश्री सुभाष पालेकर की प्राकृतिक खेती के लाभ एवं उसके उद्देश्य बताए। कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य श्याम बिहारी गुप्ता ने प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले सभी अवयव के निर्माण और उसको बचाने की विधि बताए। यूथ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अरविंद वशिष्ठ के मुख्य आतिथ्य में बाबू वृंदावन लाल वर्मा की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि बाबू वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी के नाम को साहित्य जगत में एक विशेष स्थान दिलाया। उनके उपन्यास झांसी की रानी, मृगनयनी, विराट की पंचनी आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। हम उपन्यासकार सम्राट बाबू वृंदावन लाल वर्मा को शत शत नमन करते हैं। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों में 5 व 6 दिनों से लगातार बारिश के कारण रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से किसानों को चिंता सताने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलें नुकसानदायक है। गरीब किसानों ने बताया कि उन्होंने फसलों के लिए पैसा कर्ज से लेकर रबी की खेती की थी और भारी बारिश के साथ अब नुकसान होता जा रहा है। झांसी के सिविल लाइन इलाके में स्टेशन रोड स्थित चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौराहे के नाम पर तय कर दिया जाने के बाद आज चौराहे के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, नगर निगम के महापौर रामतीर्थ सिंघल, चंद्र प्रकाश मिश्रा, संजीव श्रृंगी ऋषि आदि मौजूद रहे। जिला एथलेटिक्स संघ ग्रामीण खेलकूद तथा युवा फेडरेशन तथा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 300 मीटर की मैराथन दौड़ में जालौन के करण सिंह ने बाजी मारकर पहला स्थान हासिल किया। यह दौड़ भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज बालाजी रोड पर हुई, जिसमें लगभग 500 से भी अधिक प्रतिभागियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा संरक्षक डॉक्टर संदीप सरावगी ने मैराथन में आए अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया।